स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज को हम बात करने वाले हैं कि गाइस बहुत लोग बोल रहे हैं कि गूगल पे में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो फीचर्स है लॉन्च चुका है, आप अपने गूगल पे से अपने यूपीआई पिन को अपने आधार कार्ड से बना सकते हैं। तो फाइनली गाइस, आज के समय में आपको सब कुछ करके दिखाने वाले, करके बताने वाले हैं कि गाइस अगर आप गूगल पे यूज करते हैं, आपके गूगल पे में आपका आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो फीचर्स है ऐड किया गया है कि नहीं। अगर ऐड किया गया है तो गाइस आप अपने आधार कार्ड से अपने गूगल पे से यूपीआई पिन कैसे बनाएंगे, यूपीआई पिन कैसे क्रिएट करेंगे, तो आज के समय आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले, करके दिखाने वाले हैं। सो गाइस, अगर अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं अपने गूगल पे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी गाइस अपने गूगल पे से अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन को आप बना पाएंगे। तो बनाने के लिए गाइस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। आप वहां से गूगल पे एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड कर लेंगे, आपको इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आपको यहां से अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में सब आपको यहाँ से अपना ईमेल आईडी आपको चूज करना है। चूज करने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपका जो यहाँ पे मोबाइल नंबर है आपके गूगल पे एप्लीकेशन से इस तरीके से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपका जो यहाँ पे मोबाइल नंबर इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में अब आपका गूगल पे अकाउंट इस तरीके से बन चुका है। अब आपको अपने गूगल पे एप्लीकेशन अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो आपके होम स्क्रीन पे गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन और यहाँ पे स्टार्ट विद योर बैंक और यहाँ पे सेंड एंड रिसीव मनी सिक्योरली और यहाँ पे कह रहा है ऐड बैंक अकाउंट का, तो आपको इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं सो रहा है तो आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन हो रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे। तो जैसे हम इसे ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको सिंपली आपका जो भी बैंक होगा अपने सर्च बार पे क्लिक करना। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद में अब आपको अपने बैंक का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे केनरा बैंक, पीएनबी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसी बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो ऑप्शन है आया, तो हम इसी बैंक को इसमें लिंक करके और आपको दिखाने वाले हैं कि आपके उस बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो फीचर्स आया है कि नहीं आया। तो हमसे क्या करेंगे, सर्च बार पे यहाँ पे टाइप करेंगे केनरा बैंक। तो आपको इस तरीके से टाइप करना पड़ेगा केनरा बैंक। तो केनरा बैंक टाइप किए, अब आपको अपने बैंक पे क्लिक करना है। बैंक पे क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अब आपको अपना सिम कार्ड चूज करना है। सिम कार्ड चूज करने के बाद में अब आपका जो सिम कार्ड है आपके इस बैंक से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपके यहाँ पे वेरीफिकेशन होगा। वेरीफिकेशन इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आएगा। तो आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको जो बैंक अकाउंट है आपके गूगल पे एप्लीकेशन से इस तरीके से लिंक हो चुका है, इस तरीके से ऐड हो चुका है। जब गाइस आपके अपने गूगल पे एप्लीकेशन से आपका बैंक अकाउंट इस तरीके से लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक करना है। नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद में अब आपको चेक कर लेना है कि आपके इस बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो फीचर्स है आया कि नहीं। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर दिए फॉरगेट यूपीआई पिन पे, उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे और आया, देख सकते हैं यहां पे कह रहा है इंटर कार्ड डिटेल्स, किस कह रहा है कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड है तो अपने एटीएम डेबिट कार्ड का यहाँ पे गाइस आपको लास्ट का 6 अंक डाल करके अपने यूपीआई पिन को आपको क्रिएट करना है। अगर गाइस आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है तो आप गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट को ऐड तो कर लेंगे, लेकिन आप यूपीआई पिन को आप बना नहीं पाएंगे। इसमें गाइस आधार वाला जो फीचर्स है इस बैंक में नहीं दी, मतलब इस गूगल पे एप्लीकेशन में नहीं दिया गया है, ना तो फोन पे एप्लीकेशन में दिया गया है, ना तो गूगल पे एप्लीकेशन में दिया गया है। केवल ये फीचर्स के है आपको भीम एप्लीकेशन में दिया गया। अगर आपका केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है, तो आप भीम एप्लीकेशन से अपने यूपीआई को एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद में अब आपको यहां पे आना है, तो आपका बैंक अकाउंट इजीली इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, अगर आपके पास एटीएम या डेबिट कार्ड है तभी गाइस अपने यूपीआई पिन को आप बना पाएंगे, यूपीआई पिन को क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपके पास गाइस आधार कार्ड है, अगर अपने आधार कार्ड से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका नहीं होगा। लेकिन गाइस जिस बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का फीचर्स आया है, अगर आपका वो बैंक है, तो आप पहले विम एप्लीकेशन से आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन को आप एक्टिवेट कर लें, उसके बाद में इसमें आप जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे गाइस आपको कोई भी यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड का नंबर नहीं मांगेगा, आपका बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। क्योंकि गाइस बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप गूगल पे एप्लीकेशन में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो फीचर्स है आ चुका है। तो गाइस हम आपको लाइव करके दिखा दें कि आपके गूगल पे एप्लीकेशन में आपका यहाँ पे आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो फीचर्स है अभी नहीं आया है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।